freaking fun! तीन. Hope you are doing well. आप अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूँ. आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे. आशा आशा एक आंटी आती थी हमारे घर पे. अरे यार, कितने सालों पहले आती थी काम करने. भाई वो काम करने आती थी हमारे. बहुत अच्छी आंटी थी यार वो. भाई आशा आंटी दिवाली पे ऐसा घर चमकाती थी कि मैं कह रहा हूँ अगर आप घर में घुस जाओ तो आपकी आंखें चौंधिया जाए. भाई क्या कर जाए? चौंधिया जाए. तो पॉइंट ये है, आज है संडे और मैंने सोचा था कि हम लोग जाएंगे ब्रंच पे, और ब्रंच का हुआ लंच, लंच का हो गया अब डिनर, क्योंकि बज गए हैं शाम के 6:30. तो अब जहाँ मुझे इन लोगों को लेके जाना था वो ब्रंच की जगह है. अब हम वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है. हाँ गाइस, अगर अच्छा लगा तो आप सबको भी दिखाएंगे कि क्या हो रहा है वहाँ पे. कहीं और चले जाएंगे वरना तो अभी समझ नहीं आ रहा क्या करने वाले. देखो तो अभी एक चीज देखी कि वो वीडियो में राहुल भाई को ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं राइट लेफ्ट चेक कर रहे हैं कि कहाँ बैठे राहुल भाई. ऐसा लगा आप लोगों को? तो राहुल की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो नहीं आ पाया आज व्लॉग करने के लिए हमारे साथ. और हम तो ओहो मिनी टूपर. मेरी गाड़ी, दिस इज माय कार. ड्राइवर खाना खा के आना बेटा, टेक केयर. हमारी भी मिनी कूपर ही है जिसमें हम घूम रहे हैं. नहीं हमारी ज्यादा अच्छी है भाई. फोर्ड तो डब्बा है, मारूंगा तो दब जाएगी, मर जाएगी. भैया एक बस आपको ना झटका मारना है फोर्ड का, मिनी कूपर के खच्चे उड़ जाएंगे. गाइस वैसे वो जो जिसके पास मिनी कूपर है तो बुरा मत मानना प्लीज. ओके मिनी कूपर वाले हमारे व्लॉग देखते हैं. हां क्या बात कर रही है यार. वाओ व्हाट अ लाइट गाइस, टेक टू. गाइस इनका तो यही है, इनका नहीं मतलब ये इसका ज्यादा है. जैसे लाइट अच्छी आती है ना ये टेक चेंज कर देती है, कहती है अगला टेक लो वापस शुरू से बोलो. और गाइस आपको पता है एक बार बोलने में हमारी हालत टाइट हो जाती है, इनकी नहीं मेरी तो हो जाती है. तुम्हारे वो पंच बोले नहीं आते वापस, वो लाइन याद नहीं आती मुझे जो पहले बोली थी मैंने. पहले स्क्रिप्टेड होता है सब. मैं तो बहुत ही स्पॉन्टेनियस हूँ, मैं तो यूं बोल देता हूँ कुछ. विटी ना मैं विटी अपने आप को बोल रही थी, तुम स्पॉन्टेनियस से रुको. ये दोनों एक ही चीज होती है ना. बट विटी इज लाइक विटी स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस. तो इसको इसका मतलब नहीं पता, मतलब इसे मतलब समझाओ. वे भाई ये विटी क्या होता है भाई? जैसे पिटी ना वैसे ही विटी. नहीं आई एम नॉट पिटी, पर अगर तूने मेरे फालतू बोला तो तू पिटी. बट अंडरस्टैंड वन थिंग गाइस, गाइस बात बगलौली को साइड में रखते हुए पहले बताते हैं हम जा रहे हैं. हम ये नहीं बता रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, पर उसमें क्या होता है ये बता देते हैं. तो एक्चुअली हम ऐसी जगह पे जा रहे हैं, सस्पेंस उन्हें पता चल जाता है इवेंचुअली, पर हम ऐसी जगह जा रहे हैं कि उसका एम्बियंस बहुत अच्छा है. आपको अगर अपनी फैमिली के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ खाना वाने का कुछ मन करता है अच्छा सा, और पॉकेट फ्रेंडली भी हो, जो मतलब ज्यादा खर्चा ना हो आपको जहाँ पे, तो ये जो जगह है वो बेस्ट जगह है उस चीज के लिए. तो वहां पे जाओ, हम आपको दिखाएंगे, मैंने भी दिखाएंगे, जो हम ऑर्डर करेंगे वो भी दिखाएंगे. और अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी जाना, और कमेंट में हमें भी बताना कि आप गए या नहीं. ओके नशा मेरी अखा विच आवे मैनू, मेरी अखा विच आवे मैनू. हां वो तेरी मैं भी गया बैरिकेटर होगा बेल्ट लगा ले तूनू मतलब कोई अभी बीच में आपने देखा एक्सीडेंट हो गया था एक्चुअली किसी का, कोई मतलब पता नहीं क्या किसी ने बाइक से उड़ा दिया किसी को, क्या था वो बहुत सीरियस बंदा, सीरियस हालत में था वो आदमी. तो अभी वहाँ पे पुलिस भी आ गई है, सब कुछ हो गया था, हम इसलिए भागे थे उसे बचाने के लिए. हमने कहा एम्बुलेंस फोन करो, कोई एम्बुलेंस का फोन नहीं करा था, सब खड़े तो नहीं कर रहे थे. जितने में जैसे पुलिस आ गई फिर हमने देख लिया वहाँ से अंडर कंट्रोल है. अभी वो शायद कॉन्शियस नहीं है, खून वून बहुत निकला है उसके. तो हमने पूरा हमने इसलिए शूट नहीं किया, हमने बंद कर दिया, अच्छा भी नहीं लगता ऐसे दिखाना. और ऊपर से आप देखते भी तो आपको भी ये भी डिस्टर्बिंग होता बहुत, तो क्योंकि वो बहुत बुरी हालत में था बंदा, सीरियस था बहुत. तो भाई एम्बुलेंस को कॉल किया और वो आए रहे होंगे, बट पुलिस पहले आ गई थी और कोई कॉल नहीं कर रहा था वहाँ पे. ये बहुत घटिया चीज है, इसके वजह से हमारा मूड थोड़ा अपसेट है कि सब खड़े होकर देख रहे हैं और कोई भी कॉल नहीं कर रहा एक दूसरे. मतलब मैंने पूछा वहाँ पे जाके एम्बुलेंस किसी ने फोन किया, कोई सब कह रहे नहीं किसी ने नहीं किया. तो मैंने कहा ये क्या तभी भाग के फोन करने जा रहा था तो पुलिस इतने में आई गई. यार ये बहुत ही मतलब मैंने ना गाइस ट्रस्ट मी बताना चाहिए, मेरा मैंने अपना अपना दोस्त खोया है जस्ट इसी वजह से. वो बाइक से उसका एक्सीडेंट हुआ, टाइम से उसे कोई हॉस्पिटल लेके नहीं गया, सब खड़े हुए बस तमाशा देखते रहे. वो रोड पे बेचारा उसका इतना ब्लड लॉस हो गया कि वो फिर हॉस्पिटल वालों ने भी मना कर दिया, कह रहे नहीं बच पाए. सो
ये चीजें होती हैं। तो गाइस अगर कोई भी ऐसा चीज देखो रोड पे कुछ भी हो तो प्लीज 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 हेल्प करो, अच्छी चीज होती है और आपके लिए मतलब आपको दुआई मिलेगी अगर कुछ अच्छा काम करोगे। तो दिस इज लाइक इंसानियत यार। तो बुरा लग रहा था उसे देख के यार, ऐसे रोड पे बेचारा, पता नहीं किसी का बेटा ही होगा किसी का भाई होगा। तो बिकॉज कपल ऑफ टाइम्स ऐसा हमने देखा है लोगों को एंड वो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते हैं। और उस टाइम पर एक बार मुझे अच्छे से याद है, यहीं पे हम लोग थे कड़कड़ुआ के पास और वहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हुआ था और वो भी बहुत गरीब लोग थे, क्योंकि इन लोगों को तो बिल्कुल कुछ समझा ही नहीं जाता है। आपस में आपकी दो कार्स क्लैश हो रही हो या कोई बंदा बाइक से गिर गया है कुछ है, स्टिल पीपल केयर अबाउट देम। बट जो ऐसे गरीब लोग होते हैं या जो रोड पे ऑलरेडी घूम रहे होते हैं फिर रहे होते हैं, बीट उन्होंने ड्रिंक करी उन्होंने जो भी करा, बट आपकी गलती है, आपने उन्हें मारा, आपका कोई हक नहीं है किसी को ऐसे उड़ा कर चले जाने का आगे। तो जिसने भी उसे मारा था, धक्का दिया था, उसकी बाइक गिर गई थी और उसे ड्रिंक कर रखी थी, लेकिन फिर रवि ने और मैंने मतलब वो हमारी गाड़ी में बैठा और हमने उसे हॉस्पिटल छोड़ा था उस दिन। यू रिमेम्बर? क्या बात है, ये है अभी एक साल हो गया। हाँ। अब वो पता लोग क्या करते हैं, खून निकल रहा है बंदे के तो गाड़ी गंदी हो जाएगी क्योंकि खून निकल रहा है, तो गाड़ी में नहीं लेके जा रहा था कोई भी, वहाँ और भी गाड़ियां खड़ी थी। मैंने कहा यार गाड़ी धुल जाएगी, खून साफ हो जाएगा, भाई जान इम्पोर्टेंट है ना, किसी का बेटा है किसी का भाई है, उनका तो लॉस हो जाएगा टाइम पे उसे अगर मेडिकल हेल्प नहीं मिली तो। तो भाई मैंने तो मैंने कहा कोई बात नहीं, खून निकल रहा है उसको, मैंने फिर भी गाड़ी में बिठा लिया, मैं गाड़ी साफ हो जाएगी कोई बात नहीं, हॉस्पिटल तक छोड़ गया। अभी भी कर लेता, अभी तो हम ही कॉल करने जा रहे थे, तो मैं उसे गाड़ी में भी बिठा लेता, मतलब पुलिस आ गई तो फिर पुलिस आएगी, उन्होंने कहा हम इंटरफेयर करना है यहां पे, इंडियन पुलिस की भी दिल्ली पुलिस की भी थोड़ा है कि अगर हम इंटरफेयर करेंगे तो वो गलत उसमें चला जाता है, इसलिए बेटर है कि गलत क्या है, ऐसा अभी कोई रूल नहीं है। अभी ऐसा है कि हेल्प करोगे आप तो आप पे कोई भी इंक्वायरी नहीं होती है, कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं अगर आप हॉस्पिटल किसी को छोड़ के जाते हो रोड एक्सीडेंट में। क्या है ये? ये आर्ट गैलरी है, तो यहाँ पे सारे आर्टिस्ट जो हैं वो स्कल्पचर देखने आते हैं और खुद भी एग्जीबिशंस करते हैं। तो मैं यहाँ पहले आ चुकी हूँ एग्जीबिशन का। ठीक है भाई, ऐसी इंटरेक्टिव चीज़ें भी समझ रहे हैं त्रिवेणी आए हम त्रिवेणी इट्स इन मंडी हाउस, गूगल कर लेना, बाकी डिस्क्रिप्शन में भाई लिंक भी डाल देगा, मैं डालूंगा भाई। ये क्या वेटिंग है? क्या मीटिंग नहीं है, चलो बाहर बैठे हैं, अंदर बैठे। ये बाहर ये लोग कहाँ बैठे हुए हैं जो पीछे बैठे हैं? ये तो ऐसे ही फन करते हैं, सामने ऑडिटोरियम है तो वैसे तो यहाँ पे कुछ प्लेस वगैरह होते हैं। हाँ। बट अभी आज नहीं हो रहा, आज कोई शो नहीं है, है ना? बट मेरी फ्रेंड अभी मिली मेरे को पीछे, तो वो कह रही कि शायद वेटिंग है ज़्यादा। अरे मैं तो बहुत अच्छी मैं तो बहुत अच्छी कॉमेडी करता हूँ भाई, स्टैंड अप कॉमेडियन मेरे, आ रहा हूँ वही खड़ा हूँ अभी। पालक पत्ता चाट जो आगे फेमस है, मशरूम टिक्की, पकौड़े, द कोल्ड कॉफ़ी, ऑमलेट, सैंडविचेस और एक चीज़ और बोली थी पानी। और ये देखो ऑर्डर हमारा इतना है और टेबल देखो भाई, टेबल इतनी है कि अगर मैं एक हाथ रखूँगा तो शायद आधी टेबल ख़त्म हो जाएगी। ये देखो मेरे भाई का आधा हाथ है और दो ख़त्म टेबल, ऑलरेडी बहुत सारा सामान है भाई। ये था पालक और ये चाटेंगे पालक पत्ता चाट, खाना आने तो बहुत भूख लग रही है। तो ड्रिंक भी नहीं बनवाया, नॉट इवन माइन। लो भाई की ड्रिंक आ गई, एक बार रिपीट।
तो कोल्ड कॉफी और गन पाउडर आगे भी पालक। अरे गन पाउडर आगे भी तो थी। गन पाउडर का मतलब तो होता है बारूद। बारूद है क्या? अच्छा और क्या है? और क्या है हमारा ऑर्डर बताओ। और क्या है? वो भी भूल गए। इसकी जगह क्या है? और बन टिक्की नहीं मिलेगा? बन टिक्की या वही कबाब के वाले पे? वो कबाब कर, वो कबाब कर दो। तो पीस तेज से बोलेंगे छोटे। एक चीज सैंडविच चाहिए आपको? हां वो भी चीज सैंडविच। एक बार बता दो क्या क्या है। सैंडविच नहीं है, ऑमलेट है। चीज ऑमलेट है और चिकन सैंडविच। गन पाउडर का मतलब तो बारूद होता है। हम बारूद खाने वाले हैं क्या? रागी इज अ ग्रेन। तो व्हाट इज गन पाउडर? गन पाउडर पता नहीं नाम इतना बड़ा है और निकल के आ रहा है गन पाउडर। ये रहा एक वो फाइव स्टार में नहीं होता। एक ना वो कागज में दे बोले ये इसी को ना लगाना है और ये गन पाउडर रागी है। एक ऐसी प्लेट आई है ये ना आपका गन पाउडर रागी और गन पाउडर रागी निकला ये एक चुटकी। ये था आपका गन पाउडर। बहुत ही गंदा जोक मारा तुमने यार। गाइस बहुत सारा खाना आ गया, ऐसा लग रहा है हम दो जन्मों के भूखे हैं। और ये एक मिनट में खत्म हो जाएगा। मेरा सबसे फेवरेट है ये चीज सैंडविच। चीज ऑमलेट, ऑमलेट सॉरी सैंडविच। चीज ऑमलेट ये मैं खुद भी बनाती हूँ। इसको देख के सीखा था मैंने जो पसंद है खाना। तो मुझे वैसे बहुत यहाँ पे बहुत पसंद है ये चीज़। बताओ क्या क्या है? और हमारे पास है ये मटन टिक्की मतलब मटन शामी कबाब और मिक्स पकौड़े। और ये था हमारा बुलेट। व्हाट इज दैट? बुलेट गन पाउडर। गन पाउडर आगी। पालक का चाट। ये प्रिंस चाट की याद दिला दी क्योंकि प्रिंस वाले भी बहुत अच्छे थे। और ये है चिकन सैंडविच। और ये दो कॉफी थे जो हम आधी पी चुके हैं। तो पी चुके हैं। बाय। खाते हैं, खाने के बाद मिलते हैं। बताते खाना कैसा था। खाना बहुत ज़्यादा अच्छा। मैं पहले भी खा चुकी हूँ। द गुड पार्ट अबाउट द फूड इज जीरो ऑयल। एक बस सेलरी ऑयल नहीं होता। ये कबाब भी आए, टिक्की आए, सब बेस्ड है। ये शुगर फ्री है। इसमें अगर जिन लोगों को मीठा पसंद है उनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। तो पीपल हुआ सार टेस्ट फॉर ब्लैक कॉफ़ी दे लाइक इट। आई लाइक इट, दे विल लाइक इट। तो एनी वन हु इज हेल्दी एंड वॉन्ट टू स्टार्ट विद दिस जर्नी ऑफ हेल्दियंस देन प्लीज कम हेयर फॉर ब्रंच लंच और फाइन डाइनिंग। और ये कपल्स के बहुत अच्छा प्लेस है। रवि एंड विल ट्राई टू कम इन मॉर्निंग है ना। Yep. वो पालक पत्ता चाट गाइस यहाँ पे आओ मिस मत करना। ये उसका बाउल है, हम पूरा चट कर गए हैं। पालक आटा के साथ पालक पत्ता चाट शुरू के 20 सेकंड में ऐसे ही रवि भाई ने एक बाइट ली। मैंने भी और नुपुर ने भी, हम रुके ही नहीं गाइस। अब ऑलमोस्ट सब कुछ खा ही रहे हैं हम, ये भी खा लेंगे। बट ये क्या है जो ये जो गन पाउडर आ गई है ना। देखो हमें फूड वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है तो हम दिल पे पत्थर रख के एक एक पीस उठा के खा रहे हैं। जय माता दी बोल दो गाइस। जय माता दी बोल के खाएंगे खाएंगे लेकिन मैं उसका एक तरीका बता रहा हूँ। क्या तरीका भाई? ये गन पाउडर रागी को इस तरह मत खाओ, इसको ऐसे दवाई खाओ, ऐसे टैबलेट। तो पानी का ग्लास ले लो, ऐसे पकड़ो, इसे जब मुँह में डालेंगे ना डाउट। मेरी बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ऐसे खाया जाएगा, इसको जैसे मुँह में लगेंगे पानी तो सड़ जाएगा, चबाओगे मुँह का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो गाइज अभी ना मैंने दो एम एफ हुसैन पकड़े हैं अभी। एक है ASS हुसैन और एक है FUCK हुसैन। ताकत दिखाओ, दिखाओ साइन आउट। सैंड आर्ट ये भी रवि ने पेंट करा है। हाँ अभी अभी जस्ट ये भेड़ है आपको पेंटिंग तो देखा नहीं पड़ता। ये बहुत बड़े आर्टिस्ट की पहचान है, अभी देखना पूरी बनी नहीं है। अच्छा वाह व्हाट एन आर्ट। हां यहां पे आके दिखाओ तो सही। करना करना दोबारा करना। लेकिन ये माय गॉड अब आपको ये तीन यहां मैंने पेंटिंग खत्म कर दी है। ब्रश ड्रॉप
अभी आपको कैंटीन की तरफ दिखाओ, यूएस को वो गेस करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या है। इसमें बहुत बड़ा मैसेज है, पोलियो की ड्रॉप भाई, ये त्रिशूल है, तीन ये फूल का पेंट है, फूल का पेंट, किसका पेंट, फूल का पेंट, ऊपर हमारे स्पेस में बहुत सारा फूल का पेंट, वो धरती की तरफ आ रहे हैं इस टाइम, तीनों एक साथ आसमान में पेड़ होते हैं। What team? देखते रहिए, गैस आपको करना। गैस तो हम ये कर चुका है। कोशिश करना कि उन्हें दिखना जाए व्यूअर्स को कि वहाँ पे क्या होगा। इसने भी ड्रॉप किया। क्या बनाया आपने? आप गैस कीजिए, जैसे तारे गैस किए थे। ये देखने के बाद मुझे गैस तो हो रही है, लेकिन गैस नहीं कर पा रही। क्या है ये? What is this? ये पक्षी। हाँ? किसके? आसमान में उड़ते पक्षी। पक्षी, पक्षी लग रहे हैं, ये पक्षी हैं आसमान में, तो फिर ये चोर हो, ये भी तो होना जरूरी है। ये क्या? अंडा, अंडा अंडा होता है, धूप हो रही, सूरज निकला हुआ है, यहाँ पालन हो रही है। अगर धूप गिरने बना धूप की एक जो एवरेज आर्टिस्ट होता है ना, अरे वो नहीं बताया, बनाया तूने उसके बीच में आंख नाक और ऐसे। अभी मुझे बहुत कुछ दिख, आपको ये दोनों को देख के क्या दिखा, क्या लगता है? दो बंदे कपल हैं, जैसे हमने, जैसे हमारा प्लान था ना गाड़ी में चैलेंज करना है 24 आवर्स ना गाल चैलेंज, तो ऐसे ही 24 आवर्स ना टोकरी चैलेंज कर रहे हैं। ये बात गलत मैसेज, इसमें मैसेज क्या मिल रहा है आपको? अरे मैसेज ये मिल रहा है कि मुंह बाहर रखोगे तभी सांस आएगी, टोकरी के अंदर सांस तो आती थी। गुड पॉइंट, अब मैसेज ये नहीं है इसमें, तो मैसेज ये है अपना शरीर ढकने के लिए, जो मिलो उड़ लो, टोकरी के लिए उड़ लो। ये तो मार नहीं खा, ये तो मार खा गए भाई, मार नहीं खा है एंड पर बेटा। इधर अब तू बता कि मैं गलत हूँ कि सही, जैसे हमें, जैसे हमारा प्लान है 24 आवर्स ना कार चैलेंज करने का, तो वैसे ये भी तो कर रहे हैं 24 आवर्स ना टोकरी चैलेंज, ये 24 के बाद अपने घर चलते हैं, है ना? ये आपको नजर नहीं आएगी, जो हमने बनाए हैं वो इससे बहुत ऊपर लेवल के हैं। I think MF Hussain will feature them. वो तो मर चुका ना, his grandson will feature them. भाई ये भेड़ चाचा हैं। आपने मूवी देखी वेलकम? वेलकम वेलकम देखी है मैंने। जब एक घोड़ा घोड़े भर रहा है उसके साथ क्या कर सकते हैं, तो हम इंसानों की जिंदगी से क्या क्या हो गया है। कितनी बड़ी बात कह गए आप, ये वही घोड़ा भाई, भेड़ वही तो भेड़ है, घोड़ा थोड़ी है, ये भेड़ है। सो गाइस, हम लोग घर वापस आ गए हैं, कपड़े चेंज कर लिए और बहुत थक गए हैं। मैं तो सोने जा रही हूँ और ये लोग बैठ के मैच देख रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का। सारे क्रिकेट लवर्स वही कर रहे होंगे इस टाइम पर। अच्छा, तो आपको ये जगह कैसी लगी जहाँ हम गए थे? ब्रंच के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है और कपल्स के लिए बहुत अच्छी जगह है अपना थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। तो जाइए और इन्जॉय करिए और अच्छा अच्छा खाना खाइए, और वो मत खाना, वो बारूद वारूद जो था ना, व्हाटएवर, वो मत खाना। और उन लोगों ने पता हमारे लिए बहुत ही स्वीट जेस्चर किया था जो आपको बताने वाली थी। हम जस्ट फन के लिए वो चीज़ ब्लॉग में बोल रहे थे कि मतलब वो हमें अच्छा नहीं लगा है जो भी था, एंड उन्होंने हमें बिल रिवाइज करके दिया, उसमें उन्होंने उसका अमाउंट डिडक्ट कर दिया था एज अ जेस्चर, क्योंकि उन्हें लगा हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आई जिसमें हम लोगों ने नहीं बोला था ऑनेस्टली। तो होपफुली आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डू लाइक सब्सक्राइब शेयर, टेक केयर, बाय बाय।